यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की सुबह नोएडा से आगरा की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवारों ने बमुश्किल खिड़की से कूदकर जान बचा ली, लेकिन कार और उसमें रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। हम आपको बता दें कि प्रीति सिंह निवासी अरुण विहार सेक्टर 37 नोएडा अपनी फोर्ड फिगो कार में अपनी बेटी मैथिली सिंह और बेटा अनंत सिंह और दोस्त स्मृति स्नेही के साथ शुक्रवार सुबह नोएडा से वृंदावन आ रही थी। सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 90 के समीप चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसे देखकर चारों लोग खिड़की से बाहर कूद गए। कार में आग लगने की सूचना पर पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मी दमकल गाड़ी लेकर पहुंच गए, लेकिन तब तक कार और उसमें रखी 20,000 रुपए की नकदी, मोबाइल और कागजात समेत हजारों का सामान जलकर राख हो गया। कर्नल सिंह क्या घटना है? माइलस्टोन 90 के समीप नोएडा की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, जिसमें चार महिला व बच्चे थे, दो बच्चे दो महिला थी, और अचानक गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद में बच्चे और महिला गाड़ी से बाहर उतर गए। थोड़ी देर बाद में सूचना पर हाईवे की पुलिस पहुंच गई। उसके बाद में वो गाड़ी को हाईवे एक्सप्रेस वे वाली कर्मचारी वो अपनी कुछ पता चला वो लोग कहाँ के थे, कहाँ जा रहे? वो नोएडा पता चला है कि नोएडा के रहने वाले थे, वृंदावन अपने किसी प्रोग्राम में, बर्थडे पार्टी या किसी प्रोग्राम में वृंदावन के लिए जा रहे थे। अचानक गाड़ी में आग लगी और गाड़ी काफी जमकर। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग डी फार्मा कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश, 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट, कैंप ऑफिस कोसीखुर्द भरतपुर रोड मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979000125 08979000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मथुरा।